इमेज तो तो, uh, एडिटिंग uh, uh, तो शुरू कर देते हैं और रही बात ग्राफिक्स की तो एक्चुअली वी आर नॉट द ग्राफिक्स डिजाइनर राइट क्योंकि example, आप लोगों में से बहुत से मैक्सिम आउट ऑफ वी आर इंटू अकेडमिक्स राइट एंड ऑफ जॉब्स बट जो ग्राफिक्स है ग्राफिक्स में हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ डिजाइनिंग एंड द ग्राफिक्स कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप एडिटर राइट तो हम उतनी डिटेल की बात नहीं कर रहे हैं वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द टूल्स विच आर अवेलेबल एंड स्पेसिफिकली फ्रीली अवेलेबल राइट क्योंकि हम ऑब्वियसली इफ वी पे फॉर समथिंग देन वी शुड यूटिलाइज दैट इन्वेस्टमेंट इफ वी आर नॉट यूटिलाइजिंग तो हमें फिर कोई ऐसा अननेसेसरी uh, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है राइट right? तो आप जब भी आ, अपने एडुकेशन के लिए अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अपने आ, कोई प्रोग्राम आपके स्कूल आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना है उसके लिए आपको एक लीफलेट ड्रॉ करना है राइट right? तो उसके लिए आप जानते हैं एक बहुत आपके पास एक डिजाइन होता है जिसमें कि कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं उनके बगल में उनकी डिटेल होती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड आपके की नोट स्पीकर नोट स्पीकर और इन अट सेल यू प्रोवाइड जो भी उनके अचीवमेंट है से इन द सेम वे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इन्फोग्राफिक्स का सेंस यहां पर लेना है कि आपको अपने किसी भी काम को करने के लिए आपको जो भी कंटेंट आपको तैयार करना है वो कंटेंट आपका जो है वो कैसा बने एक तो सेल्फ uh, एक्सप्लेनेटरी बन जाए आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल ना देनी पड़े नंबर टू उसमें आपको गागर में सागर बनने की कोशिश करनी है तो गागर में सागर ये वही है जो मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ इसके लिए आपको uh, काम शुरू करने से पहले आपको बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई लीफलेट बनानी है तो आपको सोचना होगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसका लोगो कैसा होगा आप ये देखेंगे कि उसकी इमेज बिल्डिंग कैसी होगी राइट right? आपको ये देखना है उसमें कंटेंट क्या क्या डालना है कितना कंटेंट डालना है राइट right. और फिर आप देन यू विल थिंक अबाउट कि उस जो भी आपने कंटेंट जो ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको आपको किस तरह से आपको उनको ले आउट करना है राइट right? तो ये हम बेसिक इसमें डिस्कशन करने वाले हैं तो सीएमएस की अगर हम बात करें तो ब्रॉड टर्म सीएम वर्ड प्रेस या बहुत सारे हमारे टूल है जो स्पेसिफिकली इसमें काम करते हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो तो आपको और बेनिफिट होता है लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट कंटेंट मैनेजमेंट राइट जो हम बेसिकली इन्फोग्राफिक्स की हम बात कर रहे हैं ठीक है <coughs>

तो इसमें से जो इंटरेस्टिंग टूल जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको आ, पूरी डिटेल तो हम यहाँ पे कर पाएंगे बट आई विल गिव यू सम हैंड्स ऑन बिकॉज इट इज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन एंड हैंड्स ऑन भी इस वर्कशॉप में होंगे तो गूगल पॉवर पॉइंट और गूगल ड्रॉइंग इसको हम यूज करेंगे अपने इंथोग्राफिक्स को बनाने के लिए राइट तो जब भी हम बात करते हैं किसी आ, इमेज को लेके तो हमें दो टर्म सुनने को मिलती है कि ये लैंडस्केप में है या पोर्ट, पोर्ट्रेट में है राइट तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एस्पेक्ट रेशियो का जो काम होता है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज ऑफ अ कंप्यूटर ग्राफिक्स कि उसकी जो आप ग्राफिक्स ले रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है हाइट कितनी है अगेन आई एम रिपीटिंग वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिजाइनर वी आर डिस्कसिंग एंड वी विल यूज इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नर्ड न्यू यूजर ऑफ अ कंप्यूटर जिसको कि अपने इंफॉर्मेशन में ग्राफिक्स का भी यो, योगदान करके और कम से कम समय में उसको अपना जो भी लीफ uh, लाइट या जो भी उसको डिजाइन है वो तैयार करना है ठीक है तो इसमें लैंडस्केप सीधी सीधी बात है इफ हॉरिजॉन्टल स्पेस इज ब्रेटर देन वर्टिकल स्पेस तो ये लैंडस्केप कहलाता है फॉर कोई ग्राफिक्स आपके पास एंड उसका रेजोल्यूशन है तो दिस एट हंड्रेड इज विथ राइट एंड दिस सिक्स हंड्रेड इज इट्स हाइट तो जो बिगर होगा हम उसको उस कैटेगरी में मेंशन कर देंगे क्योंकि इसकी जो विथ ज्यादा है तो लैंडस्केप हम इसको कैटेगरी में देंगे अदरवाइज ऑन इट्स इट विल बिकम पोर्ट्रेट देन ये कुछ और टर्म है हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए आप जब भी किसी इमेज की हम बात करते हैं तो उसके लिए एच कलर हो गया या उसके नीचे कजिन कलर्स मैंने मेंशन किए हुए सी एम वाई के कलर और आरजीबी कलर ये बेसिक आपको जरूर देखने चाहिए अगर आप इफ यू आर इन टू मॉडिफाइंग और यूजिंग सम ग्राफिक्स अगर आपको किसी ग्राफिक्स में या किसी इमेज में या किसी भी काइंड ऑफ शेप में आपको कुछ एडिटिंग uh, करनी है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इस पर्टिकुलर एच uh, जिसको कि हम ह्यू ह्यू एच एच फॉर 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 एंड वी वैल्यू तो ह्यू में हम वी uh, जैसे हमारे पास कलर है हम देखते थे कलर स्पेक्ट्रम जो होता था हमारे पास तो सिमिलरली ह्यू में भी हमारे पास कुछ कलर स्पेक्ट्रम है uh, और जिनकी वैल्यू जो है जीरो से थ्री सिक्सटी फॉल करती है और इसके इसमें 60 -60 का बैंड हर एक कलर के लिए प्रोवाइडेड होता है रेड येलो ग्रीन सियान ब्लू एंड मेगेंडा सेचुरेशन का मतलब है कि अब आप एक पर्टिकुलर को जीरो से हंड्रेड परसेंट में कितना सेचुरेशन देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल आप रेड को कितना सैचुरेशन देना चाह रहे हैं 60 तो उसकी वैल्यू है डिग्रीज में लेकिन हाउ मच यू वॉन्ट टू सैचुरेट देन सिमिलरली आप इसके कंजंक्शन में अगर इसके सेचुरेशन की बात करें तो ये सैचुरेशन uh, जो है इसकी ब्राइटनेस या इसकी डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है तो ये कुछ टर्म है आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना है लेकिन आपको इनके बारे में यू शुड हैव बेसिक अबाउट यूजिंग दिस हैली जो एच एस वी के कजिन uh, कलर्स uh, जो हमारे पास थिंग्स uh, हैं उनमें uh, जो सी एम वाई के है ये सिंपली श्यान कलर मैगेंटा कलर येलो एंड ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है राइट right? और जो हमारा जो प्रिंटर जो यूज़ करते हैं प्रिंटर ऑफनली इन कलर को यूज करता है प्रिंटर हमारा ये जो करते हैं इसको एज इट इज यूज नहीं करता है सिमिलरली आरजीबी बहुत ही पॉपुलर टर्म है राइट right? तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर जी बी में जो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन में अगर मैं इसकी वैल्यू को 255 करता हूं बी वाले की वैल्यू को आर में से बी को और इमेज मतलब कैसे तो वो रेड में आने वाली है और मैं अगर तीनों को कुछ वैल्यू देता हूँ तो वो फिर ना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर आपका जनरेट होता है फैक्ट की एवरी कलर इन यूनिवर्स इज एटलीस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर वेटेज ऑफ आर

Uh, जो भी आपके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो भी आपके मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सो ऑन राइट सिमिलरली देन उसके बाद में आप जो जो भी आपके पास मैनेजिंग हेरा uh, में है या उसके बाद सब मैनेजिंग हेराकी में है या फिर उसके बाद जो ऑपरेशन एक्सपर्ट्स हैं इंजीनियर्स आपके पास हैं या एसोसिएटिव हैं तो आप इसको ज्यादा बेटर है आप इसमें थोड़ा सा मोर रीडेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट ऑन द वे थ्री जो बिल्कुल सेंटर में मैंने रखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम मोड जिसको कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इट इज इंफोग्राफिक्स मोड तो इन्फोग्राफिक मोड का मतलब ही यही है कि आप इसमें क्या किया आपने भी दिया है आपने इसमें कुछ ब्लॉकिंग टाइप में भी यूज करी है और आपने इसमें कुछ कलर फिल भी करके कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है राइट तो दिस इज दाउ अवर इंफोग्राफिकलाइज आई कंटिन्यू विद माई दिस तो ये जो मिडिल uh, वाला जो हमारा वे थ्री है दैट इज मोर एक्सप्लेनेटरी ओके So, इसको कैसे हम बनाएं ये तो बहुत सिंपल सी आपकी इंफोग्राफिक्स इसको आप कह सकते हैं इट वेरी सिंपल आप इसको बना सकते हैं अपने वर्ड में आप बना सकते हैं चाहे इसको बट वेन वी टॉक अबाउट सम कंसेप्ट ओर इन्फोग्राफिक्स तो सब, uh, first... uh, प्र, सर प्रवीण um, सर <laughs> uh, अगर आप इसे गूगल में जो है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल

टाइप करेंगे कि इंफोग्राफिक्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिखिए तो इसमें इसमें बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिखा रहा है ये टाइम के साथ दिखा रहा है इंफोग्राफिक्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हाँ ये जो थर्ड थर्ड वाला है ये वाला ना तो पहली रो में तो ये, ये बहुत क्लियर कर रहा है कि इंफोग्राफिक्स में हम पूरी टाइमलाइन के साथ दिखा रहा है मतलब पूरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पूरा जो है बीस पेज या तीस पेज का जो चैप्टर है वो एक एक ग्राफिक्स में इसमें शो कर रहा है तो हाँ ये इससे काफी चीजें क्लियर हो रही है कि जैसे अगर हम इसको सब्जेक्टिव ऑर्डर में हम पढ़ते हैं तो ये इसको समझना पढ़ना बहुत... ये आपको दिख रहा है मैंने इसको फुल स्क्रीन किया है हाँ, दिख रहा बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है थोड़ा सा हाँ पूरा नहीं दिखाई दे रहा कॉर्नर आ रहा है अगर आप... हल्का दिख रहा होगा हाँ मूव हो रहा है बिल्कुल थोड़ा साइज कम कर देंगे तो आप ये तब पूरा दिखेगा तो इसमें इसमें सारी चीजें दी हुई हैं मतलब शायद भी, तो हम भी ऐसा कुछ अपने हाथ से एज पर नीड जब जिस तरह की जरूरत हो हम कैसे दैट इज बेसिकली बनाएग्राफिक्स तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह के कौन से टूल हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम इस तरह का कुछ इन्फोग्राफिक्स प्रिपेयर कर सकें दैट वॉज द इंटेंट टू से सो ऐसे बहुत सारे आप लोग सर्च करेंगे अपने अपने फील्ड से रिलेटेड आप जिस भी फील्ड के हैं आपको तमाम सारे जो है चीजें मिलेंगे और बहुत सारे टूल्स भी मिलेंगे बाकायदा कुछ टूल्स के नाम मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको भेजूंगा जिनको आप डाउनलोड करके या फिर ऑनलाइन माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे लगता है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ उसमें शायद पेड भी हैं है इसमें अभी जैसे इंफोग्राफिक्स है ना इसमें जो ये फिगर दिखाया है इसी तरह के फिगर्स हम जनरली यूज करते हैं बिल्कुल तो अब ये नया नया आ गया नया नाम इसको दे है so, के लिए क्वेरी भी थी कि क्या होती है तो इन्फोग्राफिक्स बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फॉर्मेशन जो भी आपको रिप्रेजेंट करनी है वो इन्फॉर्मेशन प्लस उसके लिए आप कुछ आईकन्स का यूज करना या कुछ ग्राफिकल कंपोजिशन uh, आपको देना है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई लीफलेट देनी है या आपको कोई टाइमलाइन बनानी है या आपको ये देखना है कि जो कोविड का जो ये सेशन रहा आपको सिंस द द इनिशियल डेज ऑफ कोविड एंड इट्स स्टेज टुडे आपके इसके बीच में आपको सपोज uh, आपको बाय मंथली या सपोज आपको क्वार्टरली या आपको बाईली या yearly आपको कुछ एक टाइमलाइन में मेंशन करना है कि, कि किस किस बीच क्या क्या प्रोग्रेस हुई राइट right? तो वो चीजें आप मेंशन करने के लिए अगर आप एक uh, ऐसे,

या सपोज चार धाम ऑफ इंडिया या मुझे रेलिवेंट कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशन हमें इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स को यूज करना होगा राइट तो वो जो इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी जरूरी है और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कुछ कंटेंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ छोटे छोटे लोगों या छोटे छोटी इमेजेस भी आपको बनानी पड़ेंगे देन टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया था ये टाइमलाइन के लिए है प्रोसेस जैसे हम आ, किसी भी बिजनेस प्रोसेस की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग प्रोसेस की बात करें राइट right. right. या हम सपोज हाँ कोई कुछ कहना चाहेगा ओके okay. या हम किसी और बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो प्रोसेस से रिलेटेड अगेन मैं इसको रिकेपचुलेट कर दूं कि जो भी आप इंफोग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं वो इंफोग्राफिक्स के लिए आपको सबसे पहले मटेरियल अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा इंफोग्राफिक्स इज ओनली आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है अपने डेटा को सो दैट इट वुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड एट इन इजी टर्म्स आल्सो राइट तो इस तरह से हमारे पास कंपेरिजन इन्फोग्राफिक्स में कुछ के मैं छोटे छोटे आपके इसमें डेमो भी प्रेजेंट करूंगा जैसे स्टेटिस्टिकल डेमो uh, uh, जो इन्फोग्राफिक्स है है ये मैं सर के साथ शेयर भी कर दूंगा ये हमारे पास जैसा आप एक केस देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशनल इन्फोग्राफिक जैसे आपको ये बताना है कि वट आर द फाइव टिप्स टू कीप योर अप मीन्स आपको हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो ये आपकी जो कैटेगरी ऑफ इन्फोग्राफिक्स है ये हमारी है इन्फॉर्मेशनल कोई है. तो, आपके पास five tips है, तो आप यू विल ऑब्वियसली फर्स्ट टिप्स ने देखी डू समझ right? आप या सेकेंड टिप्स जो भी आपने लिखी है एक्सरसाइज एटलीस्टे तो आपने क्या किया है इसमें आपने इसमें जो ये छोटा सा एक इमेज आपने दी है जिसमें कि आप ये मसल्स बिल्डिंग दिखा रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स काइंड ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट तो बाय वे अगर वो कंटेंट नहीं भी पढ़ता है तो वो खाली आपकी इमेज देख के भी इसके बारे में समझ सकता है राइट लर्न समथिंग न्यू ये आपने बुक से भी इसको रिप्रेजेंट किया है राइट right? एंड इसमें एक चीज और आप देख पा रहे हैं नंबर वन के बाद जो नंबर टू रिचुअल्स तो ये एरो जो आप देख पा रहे हैं ब्लू एरो ये शिफ्ट हो रहा है आपका सेकंड एरो की तरफ तो ये आप एक सेंस जनरेट कर रहे हैं तो ये आप क्या है? एक टाइमलाइन kind of तो info में हमारे पास जो इन्फोग्राफिक्स है आपको अगर किसी भी हिस्ट्री या किसी भी चीज को हाईलाइट करना है डेट वाइज या कोई आपको मींस ईयर बाय ईयर आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए जो इन्फोग्राफिक है वो दैट इज टाइमलाइन लाइन इन्फोग्राफिक ये एक छोटा सा आपका एग्जांपल है टाइमलाइन इंफोग्राफिक का जैसे ब्रीफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम सॉरी जिसमें कि आपने बताया कि 1917 में जो स्टेट थी कंप्यूटर्स की वो क्या थी देन अब 10 10 ईयर के आपने गैप में आपने चीजों को इलेबोरेट किया है और ये इट इज गोइंग फ्रॉम

कुछ टूल हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे को ऑलरेडी इजी मोड में ये चीज बनाने की फैसिलिटी uh, प्रोवाइड करते हैं जैसे एम एस पावर पॉइंट इज इट्स कंप्लीट टूल फॉर यू अगर आप यूजली uh, देखिए हम जब भी किसी टूल uh, को यूज करने की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ बहुत अच्छा टूल हो कोई बड़ा टूल हो इट इज नॉट रिक्वायर्ड हमें टूल को हम अब मैं अगर अपनी ही बात करूं तो हम एम एस पेंट एक बहुत छोटा सा टूल है हम उसके सारे फीचर्स नहीं जानते हैं अगर हम हम अगर उसमें कुछ काम करने लगे तो पता नहीं कितने टूल हैं वी विल जस्ट बाईपास देम कि ओके इसका ये पता नहीं क्या इमेज में कुछ चेंजेस कर रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है तो इफ यू टॉक अबाउट एम एस पावर पॉइंट तो ट्रस्ट मी इसमें इतने टूल हैं कि आप इसमें ऑलरेडी अपने अच्छे से अच्छे इंफोग्राफिक्स को इसमें डिजाइन कर सकते हैं बना सकते हैं राइट लेकिन अगर आप पावर पॉइंट के इन टूल से सेटिस्फाई नहीं है तो आप गूगल स्लाइड या गूगल पावर पॉइंट स्लाइड एक टूल है जैसे कि गूगल के बहुत सारे अपने सेपरेट टूल्स होते हैं जैसे जी आप यूज करते हैं ड्राइव आप यूज करते हैं है ना स्कॉलर्स के लिए स्कॉलर यूज करते हैं राइट तो इसी तरह से गूगल में आप अगर गूगल गूगल स्लाइड अगर आप इफ विल सर्च इन गूगल तो आपको गूगल स्लाइड मिलेगी और आप एक Uh, पहले तो आपको किसी ट्यूटोरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मालूम है इंसर्ट आपको अगर कोई ड्राइंग इंसर्ट करनी है तो यू कैन इजीली इंसर्ट ड्राइंग इन इन दैट राइट तो जैसे ही आप ड्राइंग इंसर्ट करते हैं तो ड्राइंग के अंदर में आपके पास लाइंस हैं तो लाइन आप लेंगे और लाइन को आप उसमें एडिट पॉइंट्स आप जानते हैं एडिट पॉइंट्स एनीबॉडी नो एडिट पॉइंट्स ऑफ अ लाइन ओके

तो ये आप टाइमलाइन में इसको यूज कर सकते हैं प्रोसेस में इसको यूज कर सकते हैं लेकिन अगर ये जिक्सैक्ट आप करते हैं तो इसमें एक एस स्टाइल टाइमलाइन बोली जाती है दैट इज वेरी पॉपुलर व्हेन योर टाइमलाइन स्पॉट्स आर लेंदी ऐसा होता है कई बार कि आपके पास सपोज फिफ्टीन uh, uh, आपके पास पॉइंट्स uh, है जहां पे आपको रुकना है तो फिफ्टीन तो आपके मालूम है एक लाइन में तो बड़ी दिक्कत आपकी हो जाएगी हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर इन्फॉर्मेशन इन दैट तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वट यू विल डू आप उसके लिए अपना आप जो भी एस uh, कर्व बना सकते हैं जिसमें कि आप एक आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे डेटा को मैंशन करने के लिए राइट right? देन ये जो टाइमलाइन इंफोग्राफिक्स जब भी आप बनाएं तो आपको ध्यान रहे इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको ध्यान रखनी चाहिए आपको एक सेंट्रल लाइन होनी चाहिए कनेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट करे आपको बोल्ड और कंट्रास्टिंग फॉन्ट भी यूज करने चाहिए जिससे कि रीडेबिलिटी ईजी हो ऐसा ना हो कि अगेन वही टेक्स्ट रीडिंग का इश्यू आपके सामने आए आपको इसको इतना प्रेजेंटेबल बनाना है कि जो यूजर है वो ईजिली आपके कंटेंट पे थोड़ी देर होल्ड करे एंड वंस योर सब्सक्राइबर और योर क्लाइंट स्टार्टेड सीइंग कंटेंट तो इन्फोग्राफिक्स है तो इट मींस योर इन्फोग्राफिक्स इज डिजाइन सक्सेसफुली और अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं तो आपके उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है सिमिलरली आप एक एक पॉइंट को एक एक स्पॉट में इलिस्ट्रेट कर सकते हैं राइट right? आप उसके लिए अच्छा आइकन की हम बात करें तो आइकन कहां से लेंगे आप राइट तो आइकन आप या तो खुद से ड्रॉ करें बट जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे ग्राफिक्स डिजाइनर हो क्योंकि ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए बिल्कुल सेपरेट आप कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है कोरल ड्रो फोटोशॉप इसमें आप जाना पड़ता है हम अगर सिंपल सी एक पोर्ट्रेट फोटो भी अगर खिंचवाते हैं तो उसमें भी एडिटिंग करने में बहुत से यूजली जो आ, दोज हुआ नर्ड दोज हुआ न्यू इन कंप्यूटर या जिन्होंने ग्राफिक्स में काम नहीं किया तो उनको लगता है ये पता नहीं कौन सा फीचर होगा कैसा होगा बट ट्रस्ट मी इट इज एज ईजी एज आई एम स्पीकिंग राइट बस आपको सिर्फ उसमें हैंड्स ऑन करने की देरी होती है आप उसमें जो भी इफेक्ट है सपोज आपकी कोई इमेज है उसमें कहीं पे एक स्पॉट है सपोज आपकी कोई एक आपने कोई एक पेक है जिसको कि आपने आ, यूज करना है अपने पासपोर्ट साइज फोटो के लिए और उसमें सपोज कोई पीछे से कोई एक डिस्टर्बिंग कुछ पार्ट आ गया उसमें आपको उसको हटाना है तो आपके पास बहुत सारे फीचर हैं आप उसको ब्लर कर सकते हैं आप उसको ओवर कर सकते हैं आप उसमें पैचिंग कर सकते हैं बहुत सारे फीचर हैं तो ये सब मिला के हमारे आ, इमेज को ज्यादा बना सकते हैं राइट तो ऐसे हमारे कंपेरिजन ये बहुत पॉपुलर है दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर एग्जाम्पल इफ यू वुड लाइक टू कंपेयर बिटवीन द टू मोबाइल्स इफ यू आर गोइंग टू बाय न्यू मोबाइल आपको मोबाइल बाय करना है तो आपने ये देखना है कि भाई इसके इक्विवेलेंट मोबाइल कौन कौन से हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने ये सिचुएशन देखी भी होगी कि आप लोग जब भी कुछ सर्च करते हैं गूगल में तो आप लिखते हैं कि दिस वर्सेस दैट तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आते हैं अगर आप इमेजेस में जाएंगे जैसे आपने जो रिजल्ट देखते हैं गूगल में तो ऑल है इमेजेस है वीडियो है या कुछ और आपको किसी भी और तरीके से आपको रिजल्ट को देखना है तो उस केस में आप जो भी रिजल्ट देखते हैं वो रिजल्ट आप अगर आपको कंपैरिजन मोड में आपने देखा तो इसका मतलब उसके लिए कंपैरिजन इन्फोग्राफिक लोगों ने बना के रखी होगी जो भी आ, प्रोमोटर्स हैं प्रोडक्ट प्रोमोटर्स तो वो ये एक तरह की हमारी इंफोग्राफिक है जिसमें कि आप कंपैरिजन चार्ट दे सकते हैं जैसे ये आपके सामने स्क्रीन में है इट इज वेरी सिंपल ये वेनेज एक ग्रुप है इनके थ्रू ये जो डिजाइन है का लोगो इसमें है तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंपेयर बिटवीन आई फोन एंड गैलेक्सी एस तो इसमें जो सेंटर की जो लाइन आप देख पा रहे हैं वर्टिकल इसमें प्राइस तो प्राइस के लेफ्ट साइड में इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये इसका प्राइस है अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को टेक्सुअल फॉर्म में लिखूं, right? और मैं तो इट विल वे आपको मालूम है कि आप इजीली देख सकते हैं कि प्राइस में कौन बेटर है रेजोल्यूशन में कौन बेटर है इवन इफ यू कैन

री वेरी इंपॉर्टेंट खासकर जब हम किसी भी हेरार्कल या ट्री स्ट्रक्चर में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं यूजर को तो हम उसको दे सकते हैं जैसे आपने एक बहुत कॉमन सी हमारी हेरकी सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैसलोज हेरकी ऑफ नीड्स राइट ये हम सब लोग पढ़ते हैं आप uh, बहुत से एडुकेटर्स हैं जो इस को uh, अच्छे से जानते हैं तो अगर आपको ये बनानी हो तो आप इसको और भी बेटर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको फिजियोलॉजिकल uh, नीड्स में कुछ आपको और बताना है कि वट इज इट तो आप इसमें छोटे छोटे आइकन से मैं कर सकते हैं सेफ्टी नीड्स से रिलेटेड आप इसमें कुछ और आइकन्स या कुछ छोटी छोटी इमेजेस आप इसमें एड कर सकते हैं लव एंड बिलोंगिंग में आप मेंशन कर सकते हैं एस्टीम में कुछ मेंशन आप कर सकते हैं छोटे छोटे लोगों और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप कुछ इमेजेस छोटी सी यूज कर सकते हैं सो दैट इट कुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू यू नाउ इन दिस पी पी टी दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक दैट इज इन्फोग्राफिक रिज्यूम मैं इससे इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये दिखा दूं ये आप जानते हैं कि जब भी हम कहीं पे अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए या जो भी हम यूज करना चाहते हैं कहीं पे हम वी अप्लाई समवेयर तो हम uh, कहीं हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज्यूमे है वो फ्रंट पेज उसका जो लैंडिंग पेज है वो कुछ uh, हो, right? तो इसको जिसमें हैं टाइमलाइन यूज किया एक वर्क एक्सपीरियंस के लिए पे काम किया है लेटेस्ट 14 टू 15 आपने यहाँ पे काम किया है 13 टू 14 यहाँ पे काम किया है और उसके अंडर में आपने उसकी और डिटेल दी है काम तो किया है बट इन विट इन वट काइंड तो आ, जो इंफोग्राफिक रिज्यूम की हम बात करें तो इसमें रिलेटेड ये जो दो पॉइंट हैं आर आर रिलेटेड व्हेन यू गोइंग क्रिएट और ये हर कोई बना सकता है हमें से इफ यू आर नॉट इनटू सम पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल या बिजनेस प्रोसेस तो रेज्यूमे तो हर किसी के मतलब का होता है इवन इफ यू आर स्टूडेंट इफ यू आर

गोइंग टू क्रिएट यूर रिज्यूमे और इस रिज्यूमे के लिए अगर आप इन्फोग्राफिक के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो आपको उसमें कौन कौन से लोगों की रिक्वायरमेंट है टाइमलाइन यूज करना चाहेंगे प्रोसेस यूज करना चाहेंगे हेरकी यूज करना चाहेंगे राइट right? तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं सेकंड इज इन्फोग्राफिक रिज्यूम्स वी एबल टू एंटायरली रिप्लेस दट ये देखिए इस लाइन का ये मतलब है कि आप ये नहीं है कि आप नॉर्मल रिज्यूम एम एस वर्ड में बनाएंगे ही नहीं ये सिर्फ आपकी बात की है ये लैंडिंग पेज जो आपके रिज्यूम का होगा जो आपके रिज्यूमे आपके कैंडिडेट तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ट्रेडिशनल रिज्यूम जो है ये उसको रिप्लेस कर जाएगा उसकी ये उससे बेटर है

वेरी ट्रिकी इन फॉर सम इंटरव्यू आपको लगता है कि इंटरव्यू में मैं जा रहा हूं और इसमें मुझे बिना पूछे हुए कुछ बातें बतानी है कि जो सामने जो इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहे हैं बिना पूछे उनके सामने ये बातें पहुंच जाएं। तो आप जो आपका होगा आप उसमें mention कर सकते हैं ठीक है इवन हम uh, बहुत से लोग ब्लॉग राइटिंग भी करते हैं राइट right? <coughs> तो ब्लॉग राइटर्स के लिए भी इन्फोग्रेटिव uh, जो ये इन्फोग्राफिक है इट हेल्प्स अ लॉट इन वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग कंटेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप एक बार कंटेंट बनाते हैं अगर वो बहुत कंटेंट उसमें textual होगा तो आप भूल जाइए कि आपके पास बहुत ज्यादा कोई ब्लॉग को रीड करने वाला आएगा लेकिन आप अगर अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस करते हैं कुछ मेंशन करते हैं जिससे कि आप आ, उस डेटा को सेल्फरी बना सके तो आप उसके रिजल्ट आपको बेटर मिल सकते हैं ठीक है ये कुछ हैं। वुड से

आपने ऐसे 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 आपका करियर ग्रोथ हुआ है राइट देन यूज वर्ड क्लाउड्स टू विजुअलाइज रेलिवेंट की वर्ड्स लाइक स्किल और वेल्यूज मीन्स आप और हाईलाइट करना चाह रहे हैं मैं यहाँ से एक चीज को कनेक्ट करना चाहूंगा वेन आई वॉज प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग टू इंडियन नेवल बेस कोचिंग टू नेवी ऑफिसर्स तो उस समय एस वर्ल्ड जो हम बात करते हैं प्रोडक्ट so, है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस इनके साथ में नहीं आता है आपको उसको अलग से इंस्टॉल करना होता है तो so, उसमें एक एम एस प्रोजेक्ट है तो एम एस प्रोजेक्ट एक इतना बेनिफिशियल uh, टूल है खासकर दो आर मैनेजिंग थिंग्स और हु इंजीनियर्स हुर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन या हु आर डायरेक्टर्स या हु आर कंट्रोलिंग द थिंग्स उनके लिए हमारे पास एम एस जो प्रोजेक्ट है ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें कि आप uh, एक गैट चार्ट या एक पर्ट चार्ट बना सकते हैं जैसे आपको मालूम है टर्म्स हम यूज करते हैं गैड चार्ट जैसे आपको कोई भी काम करना शुरू करना है आपको ये लगता है कि आपको इस काम को करने में वन ईयर इट विल टेक वट यू कैन डू यू कैन क्रिएट टाइमलाइन यू कैन क्रिएट उसका गेंड चार्ट पर्ट चार्ट जो भी आप बनाना चाहें और उसमें आप मैंशन कर सकते हैं कि फॉर वन ईयर फर्स्ट वन मंथ में मेरे को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करनी है राइट right? फिर इसके बाद वन मंथ में जब आप उसे कर लेंगे तो देन यू कैन मेंशन कि आपको इसके बाद यू हैव टू रिफाइन दीज डेटा उस डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है एंड देन आफ्टर दैट यू मे गो फॉर डिजाइनिंग योर मॉडल कि आपको कैसे कैसे काम करना है फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग यू वॉन्ट आर इन टू द कंस्ट्रक्शन राइट तो आपको उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको पहले बहुत सारी चीजें अपने पास रॉ इकट्ठा करनी पड़ेंगी फिर आपको उसको थोड़ा सा समोराइज करना पड़ेगा थोड़ा उसको इन्फॉर्मेटिव बना के जो काम की इन्फॉर्मेशन है दैट यूल कलेक्ट एंड देन यू विल प्रोसीड करेंगे डिजाइनिंग के बाद देन यू विल यू आर डिजाइन इज ओके फिर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या क्या है अकॉर्डिंग देन यू विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग टू वेरियस सप्लायर और वेरियस कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स राइट एंड वेरियस अदर काइंड ऑफ थिंग्स एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर थिंग्स राइट तो आप इस तरह से भी uh, जो इंफोग्राफिक है उसको यूज कर सकते हैं ठीक है हैंड्स ऑन की हम बात करें तो हम ट्रेडिशनल बिल्ट इन टूल यूज कर सकते हैं इफ़ यू आर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप पेंट यूज कर सकते हैं आप एम एस वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स uh, बना सकते हैं लेकिन आपको विथ कन्वीनियंस अगर बनाना है तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए मे uh, बी आप इससे कुछ और बेटर आप कुछ यूज कर रहे हो टूल्स तो uh, मेरा सजेशन है आप गूगल पावर पॉइंट गूगल ड्रॉइंग इन टूल्स को यूज करें अपने इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए और अगर आपको इमेजेस में कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं जैसे किसी इमेज में आपको किसी पार्ट को कट करना है कहीं पे ब्लर करना है या कुछ आपको जैसे मैंने एच एस वी जो बताया था आपको उस कलर्स में कुछ काम करना है या आपको आर जी वी में या सी एम वाई आर में काम करना है उसके लिए आपको फिर थर्ड पार्टी टूल आप यूज कर सकते हैं अगर आपको और हाई लेवल पे उसको यूज करना है और अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है तो इन दैट केस आपको कोरल ड्रॉ या जो भी आप फोटोशॉप एडिटर या जिस भी तरह से आप काम करना कर सकते हैं। ये ये जो tool है आपका अवेलेबल टू यू टू मैक्सिमम एक्सटेंड राइट हाँ इफ यू बाय तो आपको इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स uh, भी मिल जाते हैं तो ई जो है ये आपका ये uh, हमारा एडिटिंग वर्जन uh, है पिक्सेल uh, पिक्सेल आर का

And I will start, uh, editing, और आप वीडियो के माध्यम से गूगल पावर पॉइंट स्लाइड है और गूगल ड्रॉइंग है ये बहुत काम के टूल है इसमें आप जैसा चाहें वैसा आप इन्फोग्राफिक्स इसमें बना सकते हैं है आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड है तो सिर्फ रिक्वायर्ड है कि आप इसमें अपना कंटेंट तैयार रखेंगे जब आप डिजाइनिंग करें ऐसा ना हो कि आपको डिजाइन जब करना हो तब जाके आप कोई इमेज सर्च करने जा रहे हैं ना ठीक है सर सी यू इन नेक्स्ट सेशन थैंक यू सो मच